नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं बोलते सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं सबकी बड़ी खबर जो राजधानी जयपुर से आ रही है। जी हां, अखिल राजस्थान महिला व बाल विकास आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाओं की न्यायोचित मांगों का समाधान कराने के लिए आज राजधानी जयपुर में गांधी सर्किल पर एक दिन का उपवास और धरना प्रदर्शन भी किया गया। राजधानी जयपुर में अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी कर्मचारी महिलाओं की न्यायोचित मांगों का समाधान करवाने हेतु आज गांधी सर्किल पर महिलाओं ने एक दिन का उपवास व धरना प्रदर्शन किया। जन घोषणा पत्र 2018 के अनुसार आंगनवाड़ी मानदेय कर्मी के नियमित किया जाएगा। जब तक नियमितकरण की कार्रवाई नहीं हो तब तक न्यूनतम मानदेय 18,000 प्रतिमाह दिया जाए। देश की आबादी की आधी का अधिकार रखने वाली आंगनवाड़ी महिलाओं का मानदेय 18,000 से कम ना हो और जब तक नियमितीकरण की नियति नाते हो तब तक आंगनवाड़ी कर्मिकों को मानदेय 18,000 रुपए दिया जाए। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी की भगवती शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष संतोष बोलोनिया, प्रदेश महामंत्री संगीता, प्रदेश संगठन मंत्री वहां मौजूद थी। उन्होंने कहा, हमारी मांगे आंगनवाड़ी केंद्रों की नर्सरी पाठशाला का दर्जा दिया जाए, महिला पर्यवेक्षक के पदों पर योग्यता के आधार पर 100% भर्ती कार्यकर्ताओं से महिला पर्यवेक्षक बनाए जाने की आशाओं को चिकित्सा कर्मी स्वास्थ्य कार्यकर्ता बनाएं। इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।